नीमच शहर में विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी द्वारा पथ संचलन निकाला गया है। पथ संचलन नीमच सिटी से प्रारंभ हुआ, जो प्रमुख मार्गों से होता हुआ गोधाम बालाजी मंदिर पर पहुंचा है। पथ संचलन सांवलिया सेठ मंदिर से शुरू होकर रोडवेज बस स्टैंड बारादरी घंटाघर जहां पर प्रांत संयोजिका द्वारा उद्बोधन दिया गया है। पथ संचलन में सबसे आगे झांसी की रानी की वेशभूषा में दुर्गा वाहिनी बुलेट पर सवार होकर चल रही थी, तो वहीं उसके पीछे दुर्गा वाहिनी हाथों में लठ लेकर चल रही थी। उनके पीछे मातृशक्ति चल रही थी, तो वहीं रथ पर भारत माता की वेशभूषा में मातृशक्ति सवार थी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी कार्यकर्ता सहित दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति मौजूद थे। बहुत समय से यहाँ पर नीमच में योजनाएं चल रही थी कि दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति का यहाँ पर एक संचलन निकाला जाए, लेकिन सोचते सोचते बहुत वर्ष निकल गए। आज ईश्वर की कृपा रही कि एक छोटे प्रयास से हमने आज मातृशक्ति का संचलन निकाला, और इस संचलन का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं में मातृशक्ति में जागृति आए और अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी बहन और बेटियों की रक्षा के लिए, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आए और स्वयं इस जिम्मेदारी को उठाए, क्योंकि पुरुष वर्ग घर की व्यवस्थाओं को, आर्थिक व्यवस्थाओं को करने के लिए व्यस्त रहते हैं, तो चूंकि बहनों को हम पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, अन्य योग्यताओं के लिए हम बाहर जब भेजते हैं, तो मातृशक्ति का जागरण होना बहुत जरूरी है। अगर मातृशक्ति नहीं जागेगी तो बहनों को संस्कार कहाँ से मिलेगा? बचपन से संस्कार माताएं देती हैं, चूंकि आप सभी जानते हैं कि माता पहली गुरु मानी गई है, तो माताओं का जागृत होना और माताओं का आज की परिस्थिति में और परिवेश में जो कुछ भी हो रहा है विदेशों में, भारत में जो भारत के साथ हो रहा है, सनातन को लगातार मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए जागरूकता की जा रही है, और उसी उद्देश्य से आज ये संचलन। नीमच से पवनराज शिंदे की रिपोर्ट।